फाइनली वीवो ने इंडियन मार्केट में अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो Y20T और इस स्मार्टफोन का प्राइस है 6 GB और 64 GB का 15,490 रुपये। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस प्राइस में इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या फिर आपको कोई और स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक की। तो इस डिज़ाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वीवो Y20 जैसा ही स्मार्टफोन डिज़ाइन मिलता है। वाटरप्रूफ नॉच के साथ है, फ्रंट में ग्लास है, बैक में प्लास्टिक है, साइड में आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दो कलर है, ब्लू और ब्लैक। और अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा क्वालिटी की। तो सेम है वीवो Y20 जैसे ही, जो मेन कैमरा है 13 का, फी टू का 8 MP की इसमें आपको सेल्फी मिल जाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको स्नैपडैगन 662 का प्रोसेसर मिलता है 15,000 की बजट में। बाकी आपको पहले और स्मार्टफोन ये प्रोसेसर मिल चुका है जो आपको मिलते हैं 10,000 की बजट में। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी की। तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है और इसमें आपको 5 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जर है, माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट है और इसमें आपको सारे सेंसर मिलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक भी, ट्रिपल सिम आपको इसमें मिल जाती है, 6 GB की रैम है, 1 GB रैम आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो और 64 GB की इसमें आपको मेमोरी मिलती है। प्राइस है 15,499 रुपये। अब आती है कि आपको इस प्राइस में स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो बिल्कुल नहीं, आप इस प्राइस में स्मार्टफोन को मत लेना, क्योंकि आपको इससे और बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि इससे बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में। आप वीवो के स्मार्टफोन भी देख लो, बहुत अच्छे हैं इससे। बाकी आपको वीवो के फ़ोन ही पसंद है तो आप बेसिकली स्मार्टफोन को ले सकते हो।